बात कर रही थी बॉलीवुड में या फिर पैन इंडिया फिल्म्स के बारे में, तो कई बार ही आपके पास भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आए होंगे, इनफैक्ट आप खुद एक डबिंग डायरेक्टर हैं। तो ऐसे में जो पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके पास, तो आप जो फिल्म या किसी प्रोजेक्ट पर आप नो पेन और पेपर लेके बैठते कि अच्छा ये किरदार को ये आवाज देनी है, या इस पर ये कैरेक्टर को ये जो वॉइस आर्टिस्ट है वो अच्छे से जस्टिस दे पाएंगे, तो ऐसे में किस तरह से आप ऑडिशन करती है, किस तरह से आप चुनाव करती है कि अच्छा इन्हें ये प्रोजेक्ट की इनकी आवाज ज्यादा सुनती है? तो एक्चुअली जब हमारे पास एक फिल्म आता है तब हम पहले बैठ के इफ द क्लाइंट इज इन्वॉल्व, अगर क्लाइंट यहाँ है, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो उनके साथ बैठ के हम फिल्म देखते हैं, या फिर हमारी टीम खुद बैठ के वो फिल्म देखती है, वो टीवी शो देखती है, फिर हम बैठ के उस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इसको कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, इसके कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, ये जब इंग्लिश से हिंदी में आएगा तो इसमें क्या चैलेंजेस होंगे, या हिंदी से इंग्लिश में जाएगा तो इसमें क्या चैलेंजेस होंगे, तो उसकी डिस्कशन हम करते हैं। फिर हम राइटर से यही चीजें डिस्कस करते हैं कि किसको क्या लिंगो देना चाहिए, किसको क्या एक्सेंट देना चाहिए, किसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शुड वी गिव देम एनी रीजनल कलर और शुड वी कीप देम न्यूट्रल। तो ये सारी डिस्कशंस के बाद एक बेसिक स्क्रिप्ट राइटर लिखना शुरू करते हैं, विच इज एग्जैक्टली एज पर द लेंथ एंड एज पर द सिंक एंड एज पर द मीटर एंड द रिदम ऑफ द ओरिजिनल डायलॉग्स। एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम ये डिस्कशन शुरू करते हैं कि ये वॉइस मैच, ये वॉइस किस कौन करेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें दो तीन क्राइटेरिया होते हैं। एक है, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ कोर्स इज वॉइस मैच, कि उस बॉडी के साथ बहुत नेचुरल वॉइस, जो जो एक्टर का नेचुरल वॉइस है उसके साथ कौन मैच कर पाएगा। हाँ, सेकेंड थिंग विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज परफॉर्मेंस, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर का परफॉर्मेंस कैसा है, इज इट अ वेरी डेड पैन परफॉर्मेंस, इज इट अ वेरी एनिमेटेड परफॉर्मेंस, इज इट अ कॉमेडिक परफॉर्मेंस, इज इट अ वेरी सेडक्टिव परफॉर्मेंस, व्हाट काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस इज इट, एंड हु विल बी एबल टू डू दैट परफॉर्मेंस रियली वेल, तो फिर हम इन चीजों पे ध्यान देके तीन चार लोगों को ऑडिशन के लिए बुलाते हैं कि हमें लगता है कि ये इस रोल को बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर कभी कभी हमारे टीम के अंदर भी थोड़ा सा डिबेट होता है, एंड वी आर नॉट ऑलवेज इन अग्रीमेंट कि कौन कर पाएगा, तो हम लोग उसमें और भी मजा लेते हैं कि चलो सबको बुलाओ, देख लेते हैं ऑडिशन करके कि कौन इस रोल को बहुत अच्छी तरह से करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्लाइंट को भी भेजते हैं ऑडिशंस विथ आवर कमेंट्स, और हम भी खुद देख के डिसाइड करते हैं कि किसने बहुत अच्छा किया। और उसमें हमेशा वी फाइंड दैट देर आर समटाइम्स सिचुएशंस वेयर वी कांट सिलेक्ट वन बिकॉज समबडीज वॉइस मैच इज परफेक्ट, बहुत अच्छा लग रहा है, समबडीज परफॉर्मेंस इज फैब्यूलस, परफॉर्मेंस इतना अच्छा लग रहा है लेकिन वॉइस मैच उतना नहीं है जितना पहले वाले का है। और किसी में वो होता है कि वॉइस मैच परफेक्ट नहीं है, परफॉर्मेंस परफेक्ट नहीं है, लेकिन द कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। तो इन तीन चीजों पे कभी कभी हम थोड़ा अटक जाते हैं, जहां मे बी यू एज अ डबिंग डायरेक्टर विल फील ए इज गुड एंड आई मे फील बी इज गुड, एंड देन वी अलाउ द क्लाइंट टू चूज।